हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस थ्योरम। जी हाँ, बहुत दिनों से, बहुत सारे वीडियोस से, लाइव क्लासेस के अंदर भी, रिकॉर्डेड के अंदर भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना होगा कि सर कब हम बेस थ्योरम करने वाले हैं, कब हम बेस थ्योरम करने वाले हैं। मैंने ही बहुत बार बोला कि बेस थ्योरम होने वाली है, बेस थ्योरम आने वाली है, टॉपिक को प्यार से समझ लो, बेस थ्योरम आने वाली है। तो आ गई है बेस थ्योरम। क्यों ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आती है, क्या इस थ्योरम का मेन फॉर्मूला है, क्या हमें फॉर्मूला को याद रखने की नीड है? डेफिनेटली नहीं है। तो हर उस चीज के बारे में बात करते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेलकम टू गेट्स मेशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बेस थ्योरम, पहली बात तो इसका नेम बेस थ्योरम पड़ा क्यों? एक दो मिनट के लिए मैं आपको इसका थ्योरी समझाता हूँ, देन हम प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। बेस थ्योरम ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, दैट इज थॉमस बेस, जिसने इस थ्योरम को लॉन्च किया था 1763 के अंदर। उसने अपने नेम से ही इसको नेम दे दिया, है ना, बेस थ्योरम इसका नाम दे दिया। अब ये थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या ये मेथड इंपॉर्टेंट है? नहीं। बेस थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपके, सुन लो ध्यान से, जितने भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपके पूरे सिलेबस में है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की पार्ट कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस अकेले एक क्वेश्चन के अंदर आने वाले हैं। यानी कि अगर आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स नहीं पता प्रोबेबिलिटी के जो अब तक मैं करा चुका हूं, आपको बेस थ्योरम समझ ही नहीं आएगी। पहला टॉपिक बेसिक प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला लेक्चर हमारा क्या था? बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने बात की, रिकॉर्डेड में भी, लाइव में भी। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर हम थर्ड लेक्चर पे आए, हमने डिस्कस किया हाउ वी विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन लॉ, कैसे अप्लाई होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे हो, चाहे वो डिपेंडेंट इवेंट्स पे हो। क्लियर? ये दो अलग अलग हमने टॉपिक किए। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट के भी किए, वो भी इसके अंदर काम आएंगे। फिर उसके बाद हम आए टोटल प्रोबेबिलिटी पे, क्या वो भी काम आएगा? डेफिनेटली काम आएगा। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन लॉ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट एक इस थ्योरम के अंदर काम आने वाले हैं। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। टफ बिल्कुल भी नहीं है। बताता हूं कि क्यों इसको इंपॉर्टेंट रोल निभाया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। पहले बुकिश लैंग्वेज के अंदर दी गई थ्योरम को समझो, मैं आपके स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, देखो इस तरीके से लाइंस लिख रखी हैं, पढ़ने को मैं पढ़ सकता हूँ, नोट्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद समझेंगे। पहले स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करता हूं, इफ ई1 ई2 ईn आर द n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट सच दैट p ऑफ ei इज ग्रेटर देन 0, और ये सारी थ्योरी मैंने लिख दी, और नीचे ये रेड कलर से मैं आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला बता रहा हूं। कुछ समझ आ रहा है? देख रहा है विनोद कैसे इंग्लिश बोल बोल के बातों को घुमाया जाता है ना? तो इस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ने वाले। पहले मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरी और फॉर्मूला की क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से समझेंगे, कनेक्ट करूंगा हर चीज को, कनेक्ट करूंगा, प्यार से मेरी बात सुनना, एक सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करेंगे कोई भी। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि ए बैग है, और ए बैग के अंदर, थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझते हैं, एक मेरे पास बैग है दैट इज ए, उस बैग के अंदर दो मेरे पास रेड बॉल्स है, तीन मेरे पास ग्रीन बॉल्स है, और समथिंग चार मेरे पास येलो बॉल्स है, चार मेरे पास येलो बोल रहे हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्या टॉपिक था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लो या मल्टीप्लीकेशन लॉ लगा लो, मल्टीप्लीकेशन लॉ की बात कर लो, ठीक है ना। मान लो मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक बॉल निकाली जहां पे पहली बॉल जो है वो मेरी डिमांड है कि रेड आनी चाहिए, और दूसरी बॉल जो मेरे पास है वो ग्रीन आनी चाहिए, जहां पे विद विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि पहली बॉल मैंने निकाली वो रेड आ जाए, दूसरी बॉल मैंने निकाली वो ग्रीन आ जाए, जहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर टास्क निभाया जा रहा है। तो हमने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि मेरी पहली बॉल रेड आ जाए, उसका नाम हमने मान लो ए इवेंट रख दिया, दूसरी बॉल ग्रीन आ जाए साथ ही साथ बी इवेंट नाम रख दिया, तो हमने क्या किया, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी बाय ए, कि पी ऑफ ए
रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2/9 और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/8 विदाउट रिप्लेसमेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास इंटरसेक्शन को शो करेगा या मल्टीप्लीकेशन को शो करेगा। तो आंसर हमारे पास बना 6/72। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन लॉ जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी शो कर रहा है कि अगर हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। इसी एक एग्जांपल से सारा कुछ कनेक्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लीकेशन लॉ के अंदर हमने इतना सा टास्क पढ़ा। हाँ, यहां पे एक चीज बदलती थी, जब मेरे पास पी ऑफ बी बाय ए की बजाय पी ऑफ बी लिखा जाता था, जहां पे विद रिप्लेसमेंट टास्क किया जा रहा है यानी कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। पहली बॉल अगर वापस डाल दी बैग के अंदर तो दूसरी बॉल जब निकाली जाएगी उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो वही रहेंगे। तो ये हमने डिपेंडेंट के अंदर पढ़ा। फिर कंडीशनल के बाद हम लोग आ गए कंडीशनल मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात की। इंडिपेंडेंट इवेंट तो यहां पे आ गए कि जब दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट क्या आया? इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट आया कि मान लो एक बैग ए है जिसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। फिर इसने बोला कि एक और बैग आ गया जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 1 ग्रीन बॉल है और समथिंग 2 येलो बॉल्स हैं। अभी भी इसकी यही बात हो रही है। ये कहता है इस चीज को हटा के मैं ऐसा बोल दूं कि एक बॉल निकाली गई, एक बॉल निकाली गई, वो बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहां पे ये क्वेश्चन इनसे बदल के इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट पे चला गया। क्यों? रेड बॉल अगर आ रही है, उसने क्वेश्चन बोला या तो पहली बॉल पहले या तो एक बॉल पहले बैग में से निकाली जाए या दूसरे बैग में से निकाली जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रही है, हमें फर्क पड़ता है कि वो बॉल रेड होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट का, जहां पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब देखो, फिर हमने यहां पे क्या सीखा कि हो सकता है कि बॉल पहला बैग पहले बैग में से निकले, ऐसा भी हो सकता है कि बॉल दूसरे बैग में से निकले। अगर पहले बैग में से निकली तो मुझे तो पहले बैग भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले बैग के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बैग के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर ई इवेंट आना मेरा रेड बॉल है, रेड बॉल आ रही है जहां पे पहले बैग में से निकाली जा रही है, ए बैग पहले ही आ चुका है, तो 2/9 कितना होने वाला है, 9। और रेड बॉल आ रही है जहां पे दूसरे बैग में से रेड बॉल निकाली जा रही है, रेड बॉल 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 2 5 और 1 6। और हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। और इसको लिखने का तरीका क्या बदला, इसको लिखने का तरीका हमने किया, आपको रेड बॉल चाहिए यानी कि आपको पी ऑफ ई चाहिए, बात खत्म। पी ऑफ ई कैसे आ सकती है, पहले बैग में से निकाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन लो, दूसरे बैग में से निकाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन लो, है ना। क्या हुआ यहां पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिंपल, मल्टीप्लीकेशन लो, इसको हमने नाम दिया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, कि अगर दो ऐसे इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ ही साथ एग्जॉस्टिव है। एक्सक्लूसिव क्यों, क्योंकि साथ में ये दोनों नहीं हो सकते, मैंने एक बॉल इसमें से निकाली है किसमें से, साथ में नहीं हो सकते। एग्जॉस्टिव क्यों, क्योंकि ये दो ही इवेंट है एक एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए, सिर्फ दो ही बैग है, यानी कि इसमें से निकलने की दो ही बैग है ना, इन दोनों के इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, वापिस से 1, जो कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसको हमने नाम दिया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर हमने बोला कि 1/2 इंटू में 2/9 प्लस 1/2 इंटू में 3/6। मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वही फॉर्मूला घूम के, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बाद में जाके क्या बना, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की, अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट दे रखे हो तो। अब बात करते हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम ने एक और चीज ऐड कर दी कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी जो तुमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उसके अंदर मैं ऐसा बोल दूं कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ओके है, ठीक है, लेकिन वो
पहले बैग में से रेड बॉल आए हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले बैग में से रेड बॉल आए। इन शॉर्ट अगर आपको ऐसा कुछ निकालना हुआ मेथड के अकॉर्डिंग कि रेड बॉल मान लिया जाए कि पहले आ चुकी है, रेड बॉल आ चुकी है, क्वेश्चन में दे रखा है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो कहता है पहले बैग में से रेड बॉल आ जाए, नाउ दिस इज नोन एज द बेस थ्योरम। क्या हुआ? टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक बदल दिया इसने। इसने बोला दो बैग है, बॉल निकाली जा रही है वो रेड है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, बताओ वो पहले बैग में से निकाली जा रही है। अगर वो रेड है तो ए में से भी निकाली जा सकती है, बी में से भी निकाली जा सकती है। अगर वो ए में से निकाली गई तो उसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, अगर वो बी में से निकाली गई उसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। हम चाहते हैं ए में से निकले, तो अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी है ऑफ रेड बॉल, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ऐसा लिख दूं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय ए आएगा, यहां पे इसको ठीक कर लेंगे, ई बाय ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाय बी, ये वो सारे पॉसिबल चांसेस हो गए रेड बॉल आने के, कि रेड बॉल पहले बैग में से भी निकल सकती है, रेड बॉल दूसरे बैग में से भी निकल सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि रेड बॉल पहले बैग में से निकल जाए, तो ये जो पहले बैग का मल्टीप्लिकेशन लो है इसको ऊपर रख दो। अब वो जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई, हम जिस बैग में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बन गई। अब डेफिनेशन को ध्यान से देखो, अब मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं क्या कह रहा था डेफिनेशन के अंदर। इफ ई1 ई2 ईn आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, जैसे a और b दो एग्जॉस्टिव इवेंट है, सच दैट p ऑफ ei इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली बात है इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी है, फॉर ईच i नंबर ऑफ द इवेंट्स, एंड a इज एन आर्बिट्रेरी इवेंट फॉर व्हिच pa इज नॉट इक्वल टू 0। यहां a की बात किससे हो रही है? रेड बॉल से, ठीक है ना, रेड बॉल आ चुकी है। देन फॉर ईच i, जो कि i जो है वो n से छोटा है, एक से बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ इवेंट तो दो ही है। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ei दैट कैन बी शोन एज, अब फॉर्मूला देखो p ऑफ ei a। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि अगर मेरा एक इवेंट e है 1, एक इवेंट e2 है, करते करते ऐसे n इवेंट है, हम चाह रहे हैं कि a हो चुका है और हम निकालना चाह रहे हैं p ऑफ e1 p ऑफ e बाय a, ये निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, है ना, अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है नीचे की तरफ, क्या हो रहा है p ऑफ, ये a पहले ही हो चुका है, a ध्यान से देखो पहले ही हो चुका है, तो क्या हो रहा है p ऑफ e1 इंटू में p ऑफ a बाय e1 प्लस p ऑफ e2 इंटू में p ऑफ a बाय e2 चलता जा रहा है अप टू n इवेंट्स तक, p ऑफ समथिंग en और मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ a बाय en, और हम चाह रहे हैं कि वो पहले वाले में से हो जाए, तो ये जो पहले की मल्टीप्लाई है p ऑफ en इंटू p ऑफ a बाय e1, ये ऊपर आ जाएगी। तो ये फर्क है बेस थ्योरम में, बेस थ्योरम और कुछ भी नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर एक स्टेटमेंट चेंज कर दी, दैट इज नोन एज द बेस थ्योरम। अब आपको टॉपिक समझ आया, अगर अभी भी कहीं पे भी डाउट है, अब मैं 3-4 न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इफ यू वॉन्ट टू नोट समथिंग अदरवाइज, तो सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 1 by 1 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। अब आपको अच्छे से टॉपिक समझ आएगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर्मूला मैं रब नहीं कर रहा, फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे ही है, इससे आप कनेक्ट कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है यहां पे 3 urns containing 2 red balls, क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 urns containing 2 red balls, 3 black balls एंड द सेकेंड अर्न इज 3 red balls 2 black balls, थर्ड अर्न 4 red balls 1 black ball, स्क्रीन पे आपके 4 red एंड
वन ब्लैक बॉल, तीन बैग है, इन इन तरह की बॉल्स पड़ी है, वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड, इनमें से कोई भी एक बैग चूज किया गया, एंड रैंडम वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाल ली गई, इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, अगर वो बॉल रेड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड अर्न, रेड बॉल आ चुकी है, अब इसने ये नहीं बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल विल कम फ्रॉम द सेकेंड अर्न, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस की बेस को इसमें भी कनेक्ट करते हैं। देखो ध्यान से, अभी तक हमने क्या समझा, अगर ये मेरा पहला इवेंट है, अगर ये मेरा दूसरा इवेंट है, और अगर ये मेरा तीसरा इवेंट है, इसका नाम मैंने रख दिया ए बैग, इसका बी बैग और इसका सी बैग। मैं कहूं कि पहले बैग में से बॉल निकाली जा सकती थी, तो पहला बैग चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा बैग चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरा बैग चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसने क्या बोला कि रेड बॉल आ गई, तो रेड बॉल आने को मैं ई नाम दे रहा हूं, रेड बॉल आ गई जहां पे ए बैग चूज किया जा चुका है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, दूसरे बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, और तीसरे बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/5। अब यहां पे अगर यहां पे बात की जाती कुछ इस तरह से, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सच दैट रेड बॉल विल कम, सीधा आंसर क्या होता, P of E by A प्लस P of E by B प्लस P of C और P of E by C, जो कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा। रेड बॉल पहले में से भी आ सकती है, दूसरे में से भी, तीसरे में से भी, सबकी एडिशन इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अपने को क्या बोल रहा है कि पहले बैग में से बॉल रेड आ जाए, यानी कि अपने को ई की डिमांड नहीं कर रहा, इसने बोला रेड बॉल आ चुकी है, हमें चाहिए वो पहले बैग में से आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो हमें ये फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, जब टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे पड़ी है तो पहले बैग में से बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी तो इस दोनों की मल्टीप्लीकेशन से शोर है, तो इसको ऊपर रख देंगे, क्योंकि इस बार ये हमारा फेवरेबल आउटकम बन जाएगा, तो फेवरेबल बाय टोटल। अभी तक आप इतना पढ़ रहे थे, इतना सा टास्क एक्स्ट्रा करना है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा, ए बाय ई क्या होने वाला है, ए की यानी कि 1/3 इंटू 2/5, ये ऊपर आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 4/5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब यहां पे 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 15, होल डिवाइड बाय 15 ही यहां पे एलसीएम आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5 प्लस 4 9, तो 2/9 इज द करेक्ट आंसर। अब आप क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, आप कहोगे सर पजल वाली बात होगी, कभी कहेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट, आप कह रहे हो कभी इंडिपेंडेंट इवेंट, कभी इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, समझ आ गई सारी बात। इसका एक तरीका और भी है, पहली बात तो फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से करूंगा, मतलब कुछ भी लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आपको कंडीशन बताऊंगा, सीधा आंसर बताऊंगा क्या आने वाला है, ठीक है, पहचानना कैसे। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर जब बैग के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, किसी आन के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, इन शॉर्ट किसी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी की डिमांड करे, तब वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे तीन इवेंट थे यहाँ पे, तीन बैगों में से आ सकता था, एक रेड बॉल आना मेरा इवेंट था, मैंने यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की डिमांड नहीं की, मैंने बोला वो रेड बॉल पहले बैग में से आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जब भी आन की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, किसी बैग के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन जंप हो जाएगा बेस पे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे भी डिपेंड करता है, बट मैं आपको मैक्सिमम केसेस के अंदर बोल रहा हूं, अदरवाइज लैंग्वेज में तो समझ आ ही जाएगा
कि रेड बॉल पहले दे रखी है, बैक के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो कि उस बैक में से निकाली गई। अब देखो, अब डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चंस को। अब मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और बताने वाला हूं और विदाउट फॉर्मूला हम लोग इसका यूज करेंगे। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की नीड नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, भूल जाओ, कोई फॉर्मूला नाम की चीज भी है। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू। नाउ द स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट आपके सामने है, गिवन थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग टू कॉइन्स। फर्स्ट बॉक्स कंटेन टू गोल्ड कॉइन, एक बैग में दो गोल्ड कॉइन है, इसका नाम चलो ए बैग रख देते हैं। सेकेंड बैग कंटेन सिल्वर, बहुत सिल्वर कॉइन्स, इसका नाम हम बी बैग रख देते हैं। एंड थर्ड बैग कंटेन 1 silver 1 gold coin, इसका नाम सी बैग रख देते हैं। ठीक है, अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट द रेंडम, एक बॉक्स चूज किया गया एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक कॉइन बाहर निकाला गया। इफ द कॉइन इज अ गोल्ड, अगर वो कॉइन पहले से ही गोल्ड का कॉइन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। एक कॉइन निकाला गया, वो पहले ही देख लिया गोल्ड है, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वो उस बैग में से निकाला जाए जिसमें अभी भी गोल्ड का कॉइन पेंडिंग है। ऐसा तो यही होगा ना, ठीक है। ए में से अगर मैं एक गोल्ड निकालूंगा तभी एक गोल्ड बचेगा, मतलब हमसे डिमांड कर रहा है पी ऑफ ए बाय ई की डिमांड कर रहा है। अगर ई आना मेरा रिक्वायर्ड इवेंट है, ठीक है। कैसे करना है विदाउट फॉर्मूला, पहले बैग में से कॉइन निकाला जाए प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे में से निकाला जाए 1/3, तीसरे में से निकाला जाए 1/3। एक कॉइन निकाला गया वो गोल्ड आ गया, इसमें से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें से गोल्ड आने की 0, इसमें से गोल्ड आने की 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे बैग में से गोल्ड कॉइन आ जाए जिसमें अभी भी एक गोल्ड पेंडिंग है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई को ऊपर रख दो। जिस इवेंट की बात की जा रही है, बात ही खत्म होगी। तो आंसर कितना आ गया, 1/3 डिवाइड बाय में 6, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं यहां पे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3, यानी कि आंसर मेरे पास क्या निकल आया, 1/3 * में 6/3, तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब डायरेक्ट समझ आ रहा है ना, तो फॉर्मूला याद रखने की नीड बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर। बस हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यहाँ पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे बेस थ्योरम है। इतना तो ज्ञान हमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, आपकी स्क्रीन पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर ट्रांसपोर्ट। ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर ट्रांसपोर्ट। किसी पेशेंट को विजिट करने जा रहा है डॉक्टर। नाउ आर द प्रोबेबिलिटीज 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5। मतलब अगर वो ट्रेन से जाएगा विजिट करने, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बस से जाएगा इतनी है, स्कूटर से जाएगा इतनी है, किसी अदर ट्रांसपोर्ट से जाएगा इतनी है, दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट 1/4, 1/3, 1/12। वो लेट हो जाता है अगर वो, ही विल बी कम बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट इफ ही कम बाई अदर ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। अदर ट्रांसपोर्ट से आए तो लेट नहीं होगा, जब वो पहुंचा वो पहले ही लेट हो चुका था। वेन ही अराइव ही इज लेट, बॉल निकाली वो पहले से ही रेड आ चुकी है, ठीक है, कर रहे हो इंटरेक्ट। अब यहां पे वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाई ट्रेन, खत्म कहानी। ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ये इन ट्रांसपोर्ट से आएगा, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन ट्रांसपोर्ट से आने के बाद उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी। अगर ई आना लेट है, पी ऑफ ई बाय ए, पी ऑफ ई बाय बी,
पी ऑफ ई बाय सी, पी ऑफ ई बाय डी। जब वो अदर ट्रांसपोर्ट पे आया वो लेट हो ही नहीं रहा, तो जीरो प्रोबेबिलिटी है लेट होने की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, मल्टीप्लाई 3/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, 1/10 इंटू 1/12 एंड समथिंग इंटू जीरो, दैट इज जीरो। हम चाहते हैं वो ट्रेन से आ जाए, तो ट्रेन से आने की जो मल्टीप्लिकेशन लो है उसको ऊपर रख दो यार, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन इज योर टास्क, मल्टीप्लाई कर लेना, कमेंट में आंसर देना क्या आंसर आने वाला है। डेफिनेटली आई विल चेक योर कमेंट और डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेटली समझ आए होंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, देर आर थ्री कॉइन्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन, एक दो हेडेड कॉइन है, यानी कि दोनों के फेस पे, कॉइन के दोनों फेस पे हेड है। अनदर इज बायस्ड कॉइन, अगला जो है वो बायस्ड कॉइन क्या होता है, जिसमें छेड़छाड़ की जा चुकी है ना, जिसमें चीटिंग कर चुके हैं। बायस्ड कॉइन दैट टेल्स कम अप 25% ऑफ द टाइम, एक अगला जो कॉइन है वो ऐसा कॉइन है जिसमें टेल 25% टाइम आता है, 25% मतलब 1/4, यानी कि यहां पे जो टेल आ रहा है वो 1/4, तो हेड कितने परसेंट आ रहा होगा, 75%, यानी कि 3/4, 1 में से माइनस ही किया है। नाउ द अनदर कॉइन इज अनबायस्ड कॉइन, सिंपल टाइप का कॉइन है, एक फेस पे हेड है एक फेस पे टेल है। नाउ वन ऑफ द कॉइन इज चूजन, एक कॉइन को चूज किया गया एंड इट टॉस्ड, उसको टॉस किया गया, इट शोज अ हेड, उसने पहले ही हेड दिखा दिया, रेड बॉल पहले ही आ गई, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो टू हेडेड कॉइन्स है, कॉइन लिया, कॉइन उछाला, हेड आ गया, वो ऐसे कॉइन में से हेड आ जाए जो टू हेडेड कॉइन है। पहला, ध्यान से सुनना, पहला कॉइन चूज होने की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिख रहा हूं मैं 1/3, दूसरा कॉइन चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरा कॉइन चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो मल्टीप्लाई 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 एड एड, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तो डिनोमिनेटर बन गया। वो कह रहा है कि वो टू हेडेड कॉइन्स आ जाए ना, टू हेडेड कॉइन हो, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है 1/3 इनटू 1, उसको ऊपर रख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सॉल्व कर लेना, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस अब समझ आए होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया क्या है बेस थ्योरम, क्या उसका फॉर्मूला हम याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्या हम उसकी थ्योरी याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है। बेस थ्योरम किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो सब यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट तक यूज किया जा रहा है, ठीक है, सब कुछ यूज हो रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। लाइव क्लास के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट पढ़ा टेलीग्राम पे भी और वीडियोस में भी, कि इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट और इसके सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या डिफरेंट है, उसके क्वेश्चंस दो प्रैक्टिस के लिए। तो विद इन 1 or 2 days मैक्सिमम कल मैं इवनिंग में अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम में आपको लिंक भेज दूंगा, सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा जितना भी मेरे पास टोटली कंटेंट है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक वाइज, ठीक है, वो पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगा, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। नाउ अगला जो अब हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी यहां पे खत्म हो चुका है, मेन प्रोबेबिलिटी यहां पे खत्म हो चुका है, हम रैंडम वेरिएबल की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्डेड क्लास में, जहां पे रैंडम वेरिएबल फिर मीन मीडियन मोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।